अच्छा, मैं जल्दी से आपको चूंकि बात मुकम्मल कर लूं, अब बात शुरू हुई थी तो वो ये कि आपको मैं बता रहा था कि आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है ना आपको, जी सर। तो अब आप जैसे वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, कोई मोजिला फायरफॉक्स है या कोई भी, जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये जो डार्क वेब होता है इसका ब्राउजर भी डिफरेंट होता है। जैसे कि इसका ब्राउजर है दी अनियन रूट, आपके लिए बड़ा अजीब सा नाम होगा, और इस पे अनियन बना भी होता है। तो इसको डाउनलोड करके, तो इसके थ्रू, लेकिन वो हर बंदे की बस की बात नहीं है, बल्कि उसमें जो साइबर क्राइम वाले हैं ना, साइबर सिक्योरिटी जो है, वो आसानी से उन लोगों को पकड़ भी लेती है जो अनाड़ी होती है। हाँ, जो अनाड़ी नहीं होते हैं, जिनको पता होता है कि हमने किस तरह से बचना है, तो वो फिर इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एनीवेज, बहरहाल ये तो मैंने आपको बताना था। तो इलीगल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आती, मैंने ये बताना था आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आ गया जी हमारे पास। तो अब आपको मैं बताने लगा था, इनकम सिर्फ वो आपने ऐड करनी है जीडीपी की कैलकुलेशन में, जो उन चीजों से कमाई जा रही है जो आपके मुल्क में बन रही है, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। इसका मतलब है, उसके अलावा अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम मेथड में इनकम के तौर पे ऐड नहीं होगी, जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स। आपने याद रखना है, ट्रांसफर पेमेंट का एक और नाम भी है, और वो क्या नाम है वो यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम ये भी बोलते हैं, फ्री पेमेंट्स। तो फ्री पेमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेमेंट तो जा रही है, इनकम आपको रिसीव हो रही है, लेकिन उसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ऐसी तमाम इनकम या पेमेंट्स जो की जाएंगी वो काउंट नहीं होंगी। आप इमेजिन करो ना, अगर आपको इनकम आ रही है, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको आ रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, आप अनएम्प्लॉयड है, आपको इनकम आ रही है, तो आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो अब जो आउटपुट मेथड से आप निकालोगे जीडीपी, वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें तो आपने सारी आउटपुट को की वैल्यू को ऐड की है। तो इधर आप जो इनकम जमा कर रहे हो उसमें ऐसी भी इनकम शामिल है जिसके बदले में कुछ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इनकम मेथड से आपको जीडीपी इनकम ज्यादा, नेशनल इनकम ज्यादा नजर आएगी, और आउटपुट मेथड से कम नजर आएगी। तो ऐसा भी नहीं करना, किसी भी तरह की वेलफेयर पेमेंट जो की जाएगी वो ऐड नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह सब्सिडी अगर आप दे रहे हैं तो सब्सिडी भी जब आप देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, वो तो दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पे प्रोड्यूसर्स को कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, लेकिन वो सब्सिडी 100% प्रोड्यूसर्स को ही मिलती है। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या जवाब में गवर्नमेंट को कुछ पे कुछ चीज बनाकर देते हैं? नो। तो इसलिए ये इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं, वेलफेयर पेमेंट्स या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या सब्सिडीज, इनको ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं, और इनको इनकम में एड इनकम मेथड यूज करते हुए इनकम में ऐड नहीं किया जाता, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर हम आगे चले जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। तो एक्सपेंडिचर मेथड यही है कि मुल्क के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको जमा कर लें, और मैंने आपको ये अभी एक्सप्लेन किया है कि उसमें आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आ गया, उसमें आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, उसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, और उसमें आपके पास आ गया एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये हम इस पे बात कर चुके हुए हैं, तो इनको आपने ऐड कर लेना है। कहते हैं जितनी इनकम है आप उतना ही खर्चा अगर कर रहे हैं तो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर से जो जीडीपी आएगी वो बराबर होगी। अब सवाल ये होता है कि सर, अगर ये याया ने किया भी था कि सर अगर सारी इनकम खर्च ना की जाए तो फिर क्या होगा, फिर एक्सपेंडिचर से वो बराबर कैसे आएगा, सवाल बनता है ना ये। अच्छा, एक मिनट, ये ना जरा बैटरी मेरी डाउन हो रही है तो मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम ये हमने एक्सपेंडिचर की बात कर ली है। अच्छा, अब वो जाहिया ने कल सवाल किया था, उसका भी आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर आपने अपनी सारी इनकम खर्च नहीं की तो इसका मतलब है कि फिर आपका एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड बराबर कैसे होगा। आपने इनकम जनरेट की, आपने इनकम ऐड कर ली, जीडीपी आ गया, लेकिन वो सारी इनकम खर्च नहीं हुई, तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड से तो जीडीपी कम आ जाएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर को ऐड किया, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है यानी कि वो चीजें जो बनी हैं और उन पे खर्चा नहीं हुआ, अगर उनको भी ऐड कर लेंगे तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपका जो जीडीपी है वो बराबर आएगा इनकम मेथड के। ये याद रख लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ।
एक्सपेंडिचर मेथड में जिन चीजों पे आप खर्चा कर रहे हैं वो तो खर्चा आप काउंट करेंगे फाइन, और वो खर्चे हमने देख लिए हैं गवर्नमेंट कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट पे और इम्पोर्ट पे, वो माइनस करते हैं, उन्होंने बता दिया क्यों माइनस करते हैं। तो अगर आप सारी इनकम खर्च नहीं कर रहे तो वो चीजें जो बन रही हैं लेकिन बिकी नहीं है क्योंकि आपने अपनी सारी इनकम खर्च नहीं की, उसको भी एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड कर लेते हैं उन चीजों की वैल्यू को, तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से जो जीडीपी निकलेगी वो आपके इनकम मेथड और आपकी आउटपुट मेथड के बराबर होगी। अच्छा, ये बात हमारी हो गई, अब हम आगे चलते हैं इससे भी। अब इससे आगे हम आते हैं हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट है और ये गलबन हाँ जी ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मार्केट प्राइस एंड बेसिक प्राइस, इसमें फर्क क्या है इसको हम समझ लें। अब आपने याद रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट प्राइस जो है वो असल में किन कंपोनेंट से मिलके बनती है। अच्छा, अब हमने कल भी इस वजह से बात की थी, मैं कहता हूँ आपके पास शूज हैं और ये शूज जो है ना फर्ज किया 5,000 रुपए के हैं, आपने हश पपी से लिए, तो अब उसमें ऑफकोर्स ये जो 5,000 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपने 1,000 रुपया मजदूरों को दिया है, उसमें आपने अगर रेंट भी पे किया है तो वो हम डाल लेते हैं फर्ज किया 1,500, फिर आपने इसमें कोई इंटरेस्ट अगर पे किया है तो वो भी डाल लेते हैं जी 2,000, तो और उसके बाद आपने इसमें प्रॉफिट भी जो कमाना है आपने, तो ये बन गया 3 और 4, 4,500, फर्ज किया कि आपको प्रॉफिट हुआ है 200 जी 300 रुपए। अब ये क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूँ, अब अगर हम इन सबको जमा करते हैं ना तो ये 5,000 नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उस पे एक चीज और है जो हमने अभी तक बात नहीं किया था उस पे, और वो है टैक्स। हर चीज पे टैक्स लगता है जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने वो 300 रुपया टैक्स लगा दिया। इसका मतलब है ये जो प्राइस जो हमें नजर आती है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, वो सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नहीं है। माना कि उस पे आपको वेजेस दे रहे हैं, उस पे आप रेंट पे कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं और उस पे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, ये तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है मान लिया, लेकिन ये सारी आपकी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके अलावा टैक्स भी आ गया जो कि इसके बीच में शामिल है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये 300 भी आ गया, तो ये भी शामिल करेंगे ना, इसका मतलब है 5,000 जो हमें जूते की वैल्यू नजर आ रही है इसमें टैक्स भी शामिल, तो ये है मार्केट प्राइस। अब मैं एक और एग्जांपल लेने लगा हूं इसी में, लेट्स से मैं इसको यहां पर अभी रब कर देता हूं टैक्स को, ठीक है, और क्योंकि मैं एक और आपको चीज समझाने लगा हूं तो वो समझ लें तो फिर आपको ज्यादा आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। प्रॉफिट कहां पे गया वो 200 का हुआ ना। अच्छा, मैंने नहीं लिखा, लिखा तो हुआ यार, दोबारा दिखाऊं तला साहब, ये देखें आपने ये 1,000 रुपए की वेजी लग गई है, 1,500 का रेंट है, हाँ, और 2,000 का, 2,000 और बाकी 300 टैक्स है ना सर, फिर वो आपका एक्सपेंडिचर में ऐड ना होगा किसे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के जाना है, गवर्नमेंट ने तो आगे सो कहीं लगाना है तो है ही है ना, बात गवर्नमेंट ने लगाना है तो क्या एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट नहीं आता, जी नहीं आता जी, हाँ जी सर ठीक है आगे वो आएगा। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये 200 में गायब कर रहा हूँ यहाँ से और बाकी वैसे तो 500 बचा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,000। आप कहेंगे सर ये क्या, जूते की कीमत 5,000 है, लेकिन अगर हम जो सारे फैक्टर और प्रोडक्शन की इनकम देखें तो वो तो 5,000 से ज्यादा बन रही है, वो बन रही है कितनी 3,000-5,500 है ना, तो ये मसला हो गया अब कि ये आपकी वेजेस हैं, आपके पास फिर ये रेंट आ गया, फिर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और फिर आपने ये आपका प्रॉफिट है, ओनर ने प्रॉफिट भी कमाया 1,000 का, लेकिन कीमत 5,000 शो हो रही है, तो वो जो सर रहता तो सर इंटरेस्ट जो है वो जो वो है ना रेंट सर, वो तो डिवाइड नहीं होता,
नहीं यार, अभी हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ना, समझो कि एक ही जूता बन रहा है 5,000 का और रेंट उस पे दे रहे हैं सारा, डिवाइड कहाँ करना है जब एक ही जूता बनेगा तो। अब सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करो, 500, 500 वो हो सकता है जो कि आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। हाँ सुनो 500 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। सब्सिडी होती है जो गवर्नमेंट बिजनेस की कॉस्ट को शेयर करती है। अब क्या हुआ, सब्सिडी देने से प्राइस कम हो जाती है और टैक्स लगने से प्राइस ज्यादा हो जाती है। अगर मैं इसी, अब यही आपको मैंने समझाई थी बात, अगर मैं इसी 500 रुपए को टैक्स बना दूं, इसी 500 को अगर मैं टैक्स बना दूं, तो आपकी प्राइस 5,000 नहीं रह सकती, आपकी प्राइस जो है वो 5,500 हो जाएगी। क्योंकि टैक्स लगने से, जब चीजों पे टैक्स लगता है तो कीमत बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट की प्राइस में से ही निकालना है। और अगर सब्सिडी हो तो गवर्नमेंट कहती है, सब देखो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब ये होता है गवर्नमेंट चाहती है प्रोडक्शन ज्यादा हो लेकिन प्राइस कम हो। तो गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूसर को, भाई आप कीमत कम रखें, जो आपका डिफरेंस होगा, जो आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे वो हमसे ले लें। तो यहाँ पर अगर 500 रुपया ज्यादा निकल रहा है, यानी कि कम पड़ रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो हिस्सा जो है गवर्नमेंट हाथ से प्रोड्यूसर को दे देगी। तो अब आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट प्राइस आपने याद रखना है, वो सिर्फ उस इनकम को शो नहीं करती जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, या उन लोगों को मिलती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। कोई लैंड प्रोवाइड कर रहा है, कोई लेबर, कोई कैपिटल, कोई एंटरप्राइज। उसके अलावा गवर्नमेंट बीच में जब आती है तो वो सब्सिडी भी देती है और टैक्सेस लेती भी है। तो अगर याद रखना है, अगर टैक्सेस लगेंगे तो मार्केट प्राइस बढ़ती है और सब्सिडी देने से मार्केट प्राइस कम होती है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं, वापस मैं चलता हूं उसी बुक के ऊपर ही, जब हम बेसिक प्राइस की बात करते हैं, बेसिक प्राइस की, बेसिक प्राइस में आप जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसको साइड पर कर देते हैं। मतलब ये, यहाँ पर मैं एक मिनट, इसको मैंने शायद क्लोज नहीं किया, सेव जरा से कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा ये भी आपको मैंने, अच्छा ये सब्सिडी थी तो कीमत 5,000 है, जबकि असूलन अगर सब्सिडी ना हो तो कीमत होनी चाहिए 5,500। 5,500 कह रहा हूँ, कितनी होनी चाहिए बताओ, अगर सारी इनकम निकालें तो। इनकम तो आपकी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी बननी चाहिए? 5,500 है। हाँ, कीमत 5,500 बननी चाहिए, लेकिन 5,500 बन नहीं रही, क्योंकि प्रोड्यूसर जब बेच रहा है ना, या सेलर, तो उसे 5,000 तो मिल रहे हैं और बाकी 500 उसे गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी की शक्ल में, तो उसको तो 5,500 मिल रहे हैं। अच्छा अब ये तो, अच्छा ये तो मैं आपको मार्केट प्राइस के बारे में बताया। तो मार्केट प्राइस में अगर सब्सिडी मिलती है तो कीमत कम होती है, असल में 5,500 होनी चाहिए थी लेकिन लगाई 5,000 है। और इसी तरह अगर टैक्स लग जाएगा तो फिर कीमत 5,000 की जगह पर 5,500 हो जाएगी, क्योंकि 500 भी तो वहां से निकालना है आपने। अच्छा ये मार्केट प्राइस है, आपने याद रखना है। जब हम बेसिक प्राइस की बात करते हैं ना, तो इसको हम ये भी बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। याद रखना है क्या, फैक्टर कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम है बेसिक प्राइस। इसका मतलब है हम इसमें सिर्फ वो इनकम ऐड करेंगे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाई है, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को साइड पर कर देना है। जब गवर्नमेंट साइड पर हो गई तो टैक्सेस भी गए और सब्सिडीज भी गई, ऐसे ही है ना जी। तो उसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, अगर आपने बेसिक प्राइस देखनी है तो असूलन तो आपको सिर्फ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करना है। तो ये बनेगा आपका कितना जी, 500। 3, 4, कितना बन रहा है, 3, 4, 5, 5,500 ही बन रहा है ना। सर जी, हाँ अभी ये 5,500 बन रहा है। अच्छा अब मैं, तो आपने अब गवर्नमेंट, अब आपका जो है वो सब्सिडी का तो ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपने बीच में से निकाल दी, मतलब ये कि सब्सिडी के इफेक्ट को आपने कंसिडर नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस को क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट प्राइस होती है,
उसमें अगर टैक्स ऐड हो, अगर प्लस टैक्स हो जाए तो मार्केट प्राइस क्या होगी, हम कहेंगे इंक्रीज इन मार्केट प्राइस। हम कहते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो ऑफ कोर्स जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी ना, यही होता है। जिस तरह पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, पता है आपको। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं कि मार्केट प्राइस में आप सब्सिडी को ऐड करें, एक्चुअली मार्केट प्राइस में जब सब्सिडी आप ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं अभी सिर्फ मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपकी मार्केट प्राइस थी फर्ज किया 2000 रुपए, अभी पहले भी बात की है, और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 500, तो क्या होगा, आपकी प्राइस 2000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2500 रुपए, सीधी सी बात है। इसी तरह नीचे आ जाओ, अगर आपकी वही 2000 आपकी प्राइस है जो आप चार्ज करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर 500 रुपए की सब्सिडी दे दी, यानी कि अब 500 गवर्नमेंट देगी तो प्रोड्यूसर को 2000 ही मिलेगा। तो अब प्रोड्यूसर प्राइस क्या रख देगा, प्रोड्यूसर कर देगा 1500, क्योंकि प्रोड्यूसर को, अच्छा अब आप दोनों में गौर करो, क्या दोनों में प्रोड्यूसर को 2000 ही मिल रहा है या फर्क है, मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ या सेलर की। सर दोनों 2000 ही मिल रहा है जी। तला आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि अगर ऊपर वाली बात करें तो लेकिन आपने ये बात देखा, आपने मार्केट प्राइस में सब्सिडी प्लस की हुई, आपने माइनस की। हाँ वही ना, मैंने सिर्फ बताया कि अगर सब्सिडी ऐड करें तो प्राइस कम होती है, वो माइनस ही करते हैं, बिल्कुल, मैंने सिर्फ समझाने के लिए, माइनस कर लो आप। अच्छा अब आप जब ये जो 2500 प्रोड्यूसर को मिल रहा है या सेलर को मिल रहा है, इसमें से भाई प्रोड्यूसर को मिलना है 2000, ये प्रोड्यूसर के पास जाना है, और उसमें से 500 जो है वो तो गवर्नमेंट के पास चले जाने हैं, तो प्रोड्यूसर को तो 2000 ही मिल रहा है। अच्छा इसी तरह नीचे आ जाओ, नीचे जो कीमत है वो 1500 है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से कितना मिल रहा है, जब कंज्यूमर चीज खरीद रहा है तो उसे 1500 मिल रहा है, ठीक है, प्लस उसको 500 दे रही है गवर्नमेंट ऊपर, तो प्रोड्यूसर को यहां पर भी 2000 ही मिल रहा है, प्रोड्यूसर को यहां पर भी 2000 और यहां पर भी 2000, तो ये आपको समझ रहे हैं। लेकिन मार्केट प्राइस में फर्क पड़ जाएगा, टैक्स लगेगा तो मार्केट प्राइस बढ़ती है, सब्सिडी होगी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। यानी कि आज अगर गवर्नमेंट पेट्रोल पे सब्सिडी देना शुरू कर दे तो आपका जो पेट्रोल जितना महंगा है वो सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अभी महंगा क्यों है, क्योंकि टैक्स लग रहा है, और हम पेट्रोल की जो प्राइस पे करते हैं वो एक्चुअली मार्केट प्राइस है, ये समझ आ रही है बात की, ये क्लियर है ना। जी जी सर, आगे सर। अच्छा अब हमने बात करनी है बेसिक प्राइस की, बेसिक प्राइस। अब इसका मतलब है, ये आपने एक बात याद रखनी है, बेसिक प्राइस कैसे निकलती है, जिसमें ना टैक्सेस ना सब्सिडीज, सिर्फ जो इनकम है आप सिर्फ उसको ऐड करेंगे जो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं। अच्छा मेरे ख्याल क्लास लंबी हो गई है तो इसको कल पे रखते हैं, कल इसको मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़।